इधर चलिए, कौन सा न्यूज वाला थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। भैया आपका चैनल का नाम थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि उड़िया में लिखा हुआ है तो हम लोग को। स्वतंत्र उड़ीसा लाइव। हाँ, क्या क्या चैनल का नाम? स्वतंत्र उड़ीसा लाइव। तो ये लाइव चल रहा है अभी ना, बाद में अपलोड कीजिएगा। नहीं नहीं, अभी लाइव नहीं चलेगा, लाइव चलेगा तो मैं बता दूं। न्यूज चैनल वाले आ गए, किस बार क्या होने वाला है? तो सुमित भाई कैसे हो? गला खराब हो गया, आज तुमको बियर पिलाएंगे, गला ठीक हो जाएगा। इधर उमेश भैया भी आ गए, और भैया लोग तो कल में ही आए थे। हम लोग कल रात को, नहीं आज ही रात को पहुंचे। हाँ, एक्चुअली मैम इन लोग के साथ आने वाले थे, लेकिन मेरा ट्रेन इतना भयंकर वाला बैलगाड़ी वाला रूप ले लिया था ना, टाटा पहुंचने में 4 घंटा लग गया था। दोस्तों डीजे सार्जेन आ गया और उनका सेटअप भी रेडी हो गया, तो अब बात करते हैं पावर म्यूजिक कब आएगा, क्योंकि सबको पावर म्यूजिक का भी इंतजार है, क्योंकि डीजे सार्जेन का कंपटीशन पावर म्यूजिक के साथ होने वाला है और पावर का शायद इस साइड सेटअप लगेगा। तो अगर आप लोग को किन्हीं को पता है उनके साथ आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, या फिर कोई नहीं है तो भी हम आपको बता दें, डीजे सार्जेन से जो कंपटीशन करने के लिए पावर म्यूजिक आ रहे हैं वो यहाँ पे शाम तक पहुँच जाएंगे, और उनका सेटअप लोडिंग होने में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उनका सेटअप थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का है तो जल्दी हो जाएगा उनका। और डीजे सार्जेन जो कि 500 किलोमीटर दूर से ट्रैवलिंग करके सेटअप को लेके आए हैं, तो उनको थोड़ा सा एडवांस में टाइम भी चाहिए होता है, क्योंकि बारिश का भी सीजन है, बारिश भी आ सकता है, और सेटअप का भी थोड़ा सा टाइम दे के रेडी करने में अच्छा रहता है कि सबको थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। इतना बड़ा सेटअप को ऑपरेट करने के लिए इतना दूर से आके थोड़ा सा बॉडी को आराम भी चाहिए, तो इसीलिए डीजे सार्जेन का सेटअप आके रेडी हो गया और साउंड चेक के लिए भी तैयार हो गया डीजे सार्जेन। अब दोस्तों इंतजार रहेगा पावर म्यूजिक का कि पावर म्यूजिक कब आता है और अपना सेटअप कब रेडी करता है, तो उम्मीद है उनका सेटअप शाम तक आ जाएगा और रात तक में उनका सेटअप लग भी जाएगा, ऐसा उम्मीद है। और देख सकते हो आप इधर उमेश भैया भी आ गए, और भैया लोग तो कल में ही आए थे। हम लोग कल रात को, नहीं आज ही रात को पहुंचे। हाँ, एक्चुअली मैम इन लोग के साथ आने वाले थे, लेकिन मेरा ट्रेन इतना भयंकर वाला बैलगाड़ी वाला रूप ले लिया था ना, टाटा पहुंचने में 4 घंटा लग गया था। मौज करिया। हाँ एकदम, भैया लोग पहले ही आके सब कुछ फुटेज वगैरह आप लोग को दिखा दिए, और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, क्या करें, हम लोग का ट्रेन इतना स्पीड आ रहा था ना कि 6 घंटा लेट हो गया, इतना ज्यादा स्पीड आ रहा था। तो इधर आप देख सकते हो डीजे सार्जेन का सेटअप, इस पे और भी मिड लगेगा जहां तक उम्मीद है, क्योंकि वो जो आप नीला गाड़ी देख रहे हो ना उस पे अभी भी सेटअप है, अब उसमें क्या है वो नहीं पता। और चलिए अभी ताजा अपडेट आया है कि एक गाड़ी आया हुआ है जिसपे डीजी लेके आए हैं, अब कितना पीस डीजी है वो तो देखना पड़ेगा। इधर आप सारफी देख सकते हो, सारफी 8 पेटी है, और इधर देखिए मिड, ये मिड भी लगेगा, ये मिड भी लगेगा। इधर सारफी, इधर लेजर भी है भाई, कैमरा देख लो, आज तुम जा भी सकते हो, कोई गारंटी नहीं है, तो थोड़ा सा बच के रहना मेरा कैमरा। इधर देख सकते हो पीछे से भी पहाड़ जैसे खड़ा हो गया, बहुत हैवी सेटअप डीजे सार्जेन का, 2024 का लास्ट, काफी तगड़ा सेटअप। इधर धू 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 को देख लीजिए, और इधर डीजी देखिए आ गया है, 2 डीजी है शायद इस पे। हाँ 2 डीजी है, बड़ा बड़ा डीजी, और ये अनलोडिंग होगा क्योंकि गाड़ी के ऊपर में तो डीजी अभी नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा इसीलिए। और इधर देखिए सेटअप पीछे से बहुत है भी, और ये देखिए सीढ़ी भी मस्त है, ये वाला जितना ऊपर हाइट जाएगा उतना ऊपर सीढ़ी भी हाइट होते जाएगा। और इधर एम्पलीफायर, डीजे सार्जेन का हथियार सब इधर है फाइट के लिए, जो कि काफी जरूरत रहता है। और इधर देख सकते हो फिर से आपको दिखा दे रहे हैं सार्फी 8 पेटी है, और ये पावर डिस्ट्रीब्यूटर जो खुद से बनाया हुआ है उनका, और इधर सार्फी पेटी सब है, उधर लेजर भी तिथि ने, भगवान करे लेजर नहीं लगे तो अच्छा रहेगा, हम लोग का मोबाइल जिंदा रहेगा। और इधर देख सकते हो पब्लिक सब भीड़ हो गया है, और इधर एक इंटरव्यू वाले भैया भी आ गए, न्यूज चैनल वाले आ गए, किस बार क्या होने वाला है? तो सुमित भाई कैसे हो? गला खराब हो गया, आज तुमको बियर पिलाएंगे, गला ठीक हो जाएगा। इधर चलिए, कौन सा न्यूज वाला थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। भैया आपका चैनल का नाम थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि उड़िया में लिखा हुआ है तो हम लोग को। स्वतंत्र उड़ीसा लाइव।
हाँ, क्या क्या चैनल का नाम? स्वतंत्र ओडिशा लाइव। तो ये लाइव चल रहा है अभी जी? ना बाद में अपलोड कीजिएगा। नहीं नहीं, अभी लाइव नहीं चलेगा, लाइव चलेगा तो मैं बता दूंगा। तो ये भैया अभी कैप्चर कर रहे हैं, भैया को कुछ पूछेंगे। और इधर देख सकते हो आप, सेटअप काफी हैवी, ओडिशा में शायद पहली बार इतना बड़ा सेटअप लग रहा है स्टैंडिंग में। क्योंकि इधर वो जो आप डीजे देख रहे हो ना, ग्रैंड म्यूजिक शायद रॉयल कुछ लिखा हुआ है, हाँ उस टाइप का डीजे चलता है। लेकिन इस बार सार्जन भैया इतना बड़ा सेटअप लगा दिए हैं कि सबको देख के दिल खुश हो गया। भैया कैसे लग रहा है सेटअप? ओके, बहुत बढ़िया लग रहा है भैया को सेटअप। और पब्लिक भी अच्छा खासा क्राउड में आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा शायद, इसलिए सबको छांव तरह भी जा रहे हैं। तो इधर आप देख सकते हो सेटअप कितना हैवी, मॉन्स्टर सेटअप बोल सकते हो आप इसको, 2024 लास्ट का डीजे सार्जन की तरफ से। और इधर देखिए इंटरव्यू, भैया आप कुछ पूछ रहे हैं, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ही सलोली में पूछ रहे हैं उनको आवाज में। और इधर रावण दहन होगा, इसके लिए भी सेटअप रेडी हो रहा है, रावण को बना रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। अभी का अपडेट इतना है दोस्तों, अभी सिर्फ पावर म्यूजिक का आना बाकी है। डीजे सार्जन का सेटअप रेडी हो चुका है, फुल्ली रेडी हो चुका है, बस और कुछ ट्विटर लगेगा, उसके बाद सेटअप का साउंड चेक आज ही हो जाएगा, जैसे कि भैया ने पहले ही अपडेट दे दिया था। और इधर पावर म्यूजिक लगेगा, उसके बाद वो भी आपको दिखाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।